टेंथ में आ गए, हो गया जर्नी कैसी चल रही है टेंथ की? बढ़िया। इसके लिए यार कब से पढ़े जा रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से। एक तो एट्थ में आए थे तो बोले थे नाइन्थ बेस है टेंथ का, नाइन्थ आसान है, टेंथ अगर नाइन्थ कर लिया टेंथ तो आराम से हो जाएगा। नाइन्थ में आए यही सेम चीज, नाइन्थ बेस है, नाइन्थ पढ़ लो टेंथ तो आराम से निकल जाएगा। टेंथ में आए तो मालूम पड़ा टेंथ क्या चीज़ है, वाट लग रही है ना। हो गया खराब। वही तो बचपन से ये बोलते आ रहे हैं मम्मी पापा सब, पेरेंट्स ये बोल रहे हैं नाइन्थ कर लो टेंथ तो हो ही जाएगा आराम से, बचपन से पागल बनाए जा रहे हैं और हम पागल बने जा रहे हैं। अगर टेंथ इतना आसान रहता तो टेंथ को फर्स्ट की जगह पे क्यों नहीं रखता वो बताओ ना। फिर ऊपर से इसमें जो सब्जेक्ट अलग ही रहते हैं, मेरे को मैथ्स आज तक समझा नहीं, किसको समझाए, समझाए किसको, महान लोग, पुस्तक की चीटियां, तुम लोग के लिए, तुम लोग के लिए एक वर्ड है पुस्तक की चीटियां, और कुछ नहीं बोला चीटियां बोला। इसे तो मैं भी टेंशन में हूँ, मैं भी वही टेंशन में हूँ। तो फिर मेरे को एलजेब्रा का समझ में नहीं आता है कि मतलब कमलेश गया दुकान में, उसने ले लिया पांच पेन 5 रुपए की, इतनी 10 रुपए की ले लिया, बाहर आके दो अपने दोस्त को दे दिया, इतने इसको ले लिया, कितना पैसा उसका बचा, कितना पैसा उसने खर्चा किया, वो चक्कर वो बताओ क्यों भाई। कमलेश की मम्मी हूं मैं, क्यों उसकी मम्मी देखेगी ना, उसके पापा देखेंगे, जिन लोग उसको पैसा दे रहे, मैं क्यों बताऊ। और ऊपर से ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री मेरे को आज तक समझ नहीं आई। एक आदमी रोड पे खड़ा है, एक बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग है 20 मीटर की, वही आदमी थोड़ा आगे गया रोड पे दूसरी बिल्डिंग को देख रहा है, वो बिल्डिंग है 30 मीटर की। अब बताओ कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है भाई। पहले तुम देखो, बंदा रोड पे खड़ा है, ट्रक आएगी उधर से, बंदा चले जाएगा, एम्बुलेंस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन, कैसी बात कर रहे हैं। और ऊपर से बोलो ऊपर से कोई कोई चीज में तो हाइट दी रहती है आदमी की, दूसरे में तो हाइट भी नहीं दी रहती है, आदमी आईबॉल नीचे लेट के ऐसा देख रहा है, ऐसी बात कर रहे हो यार तुम। और ऊपर से टेंथ तो हालत ही खराब हो गई, सचमुच में रात दिन पढ़ाई पढ़ाई, और ऊपर से हाँ हालत खराब है। बचपन से एक बात बताऊं, मैं बचपन से सेंट्रल में हूँ मैं, हाँ। और मैं जो पहले वाला स्कूल में था ना, मतलब मैं फर्स्ट से सेंट्रल में हूँ, लेकिन जो पहले वाला स्कूल था मेरा, वहाँ पे पीटी टीचर जो थे वो बहुत खतरनाक थे। इंग्लिश तो मालूम ही है पीटी सर की, हमारे हमारा सर का सब कुछ याद था। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला चेस, सर बोले चेस का कॉम्पिटिशन है, जिसको जिसको चेस में करना है पार्टिसिपेट करना है हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठाया, सर आए बोलते हाँ बेटा नवीद नाम बताओ अपना। नवीद बोल के नाम पूछ रहे हो सर, वाह। ऊपर से एक दिन मैं कैंटीन में गया, मैं खा रहा था वड़ा पाव, सर उधर से चल के बोले ये बाल कैसा कटाया तुमने, बोला सर ट्रिमर से। सर बोले वो तो मेरे को भी पता है, बोला अरे सर, अरे बोला थप्पड़ लगा दो पट पट, फिर से बोला अरे सर ऐसे पट, अरे पट, अरे पट, अरे पट, सर को गुस्सा गया, सर ने बोल दिया। उसके बाद फिर से बोला अरे ऐसा क्या कर रहे, फिर से लगा दिया। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स को फोन किया गया और मेरे को 2 महीने की छुट्टी मिल गई, बस ठीक है। फिर ज्यादा कुछ नहीं, पापा घर पे गए, पापा को गुस्सा आ गया था, पापा ने लिविंग रूम से बेडरूम तक फेंक दिया, उठा पैर में लगा था, अभी पैर सही है, टेंशन नहीं है, पैर सब सही चल रहा है मेरा, सब सही। और बस स्कूल की तो एक ना टेंथ के बाद एक चीज याद रहेगी हमेशा, प्लेज ऑल इंडियंस आर्मी ब्रदर्स एंड जय सिस्टर। बचपन तक तो 5वीं तक तो हम लोग बोलते थे ऑल इंडियंस आर्मी ब्रदर्स एंड सिस्टर, बाद में मालूम पड़ा सिस्टर का अलग ही कांड है, कभी नहीं बोलना सिस्टर, कभी मत बोलना। तो अभी हमारा अलग रहता है ऑल इंडियंस आर्मी ब्रदर्स सिस्टर एक्सेप्ट। और तुम्हारे लिए जो देख लो तुम्हारा, सुमित सुमित के लिए अलग है ऑल इंडियंस आर्मी ब्रदर्स एंड ब्रदर्स, तो सिस्टर है ही नहीं, तो इनमें सिस्टर।
टेंथ में इतना हालत खराब कर दिया है। मैं लिफ्ट में खड़ा था, एक अंकल है उधर से, मैं सिविल ड्रेस पहना था, क्लासेस से वापस आया था। अंकल पूछे, बेटा कॉलेज में हो? मतलब नहीं अंकल, टेंथ में हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट, बोर्ड दो तुम्हारा। ओके अंकल, पढ़ाई कैसी चल रही है? लिफ्ट में एक रैंडम बंदा मेरे को पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है, पूछे पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं बोला अंकल ठीक ठाक चल रही है, और बेटा कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट किया है, ये क्या? अंकल क्या आपकी बेटी की शादी कराओगे मेरी? क्यों पूछ रहा इतना? बाद में मालूम पड़ा बस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगली बार ज्यादा प्रिपेयर करूंगा। थैंक यू।